अगर आपको लगता है कि भारत से कोरोना जा चुका है तो आप गलत हैं। अगर आप अब भी लापरवाह हैं तो अभी भी समय है, सावधान हो जाएं, क्योंकि भले ही मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बरकरार रखना अब जरूरी नहीं है, लेकिन खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है, टला नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। भारत में कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जिसने पूरे भारत की नींद उड़ा दी। नाम है एक्सी वेरिएंट। ओमिक्रोन के बाद अब ये दूसरा झटका भारत को लगा है। फिलहाल ये कितना खतरनाक है, क्या लक्षण है और अब आगे क्या करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर तफसील से चर्चा करेंगे। तो एक्सी वेरिएंट ओमिक्रोन का ही एक हिस्सा है जो कि BA.1 और BA.2 को मिला करके बनाया, और इस साल ओमिक्रोन से 90% संक्रमण फैले हैं। BA.3 इज ऑल्सो अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रोन, बट अभी ये उतना कॉमन नहीं हुआ है। एक्सी वेरिएंट 10% ज्यादा संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण इतने ज्यादा गंभीर नहीं है। लंदन में इस वेरिएंट के अब तक 600 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। क्या है कि BA.1 सब वेरिएंट ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन BA.2 ज्यादा खतरनाक और BA.2 को BA.1 की तुलना में थोड़ा अधिक परमिएबल पाया गया है। हालांकि यह अधिक खतरनाक नहीं था। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू WHO पिछले कुछ महीनों में BA.2 दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैला है, जो पिछले एक महीने में सभी ओमिक्रोन संक्रमणों का लगभग 94% है और BA.1 का प्रकोप तेजी से घट रहा है। एक्सी वेरिएंट को रिकॉम्बिनेंट भी कहा जाता है, विच मीन्स कि इसमें BA.1 के साथ साथ BA.2 किस्मों के ओमिक्रोन में भी पाए जाने वाले म्यूटेशन है। ये पहली बार जनवरी में यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया था और अब तक कई देशों में इसके 600 से ज्यादा नमूने मिल चुके हैं। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है। ऐसे वेरिएंट जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएंट की म्यूटेशन होती है वो हर समय होती रहती है। फिलहाल ये जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, कितना आक्रामक है, कितना जानलेवा है, उसका पता लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन खुद की रक्षा करना एकमात्र उपाय है। अभी भी इस पूरे वेरिएंट को आप हल्के में ना ले। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। आपको 2 गज की दूरी रखनी है, लोगों से मेंटेन करना है डिस्टेंस, हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क लगा करके ही बाहर जाना है। देखिए, दोबारा से जो है एक नया वेरिएंट है वो भारत में आ गया है। मुंबई में सबसे पहला केस जो है इसका वो मिला है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कितना ज़्यादा आक्रामक है, कब तक ये पूरे भारत में फैल जाएगा। इसीलिए अपनी सावधानी जो है अपने हाथ में होती है। ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, मास्क लगा करके ही निकलिएगा। और अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।